हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा .com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो चलिए अब हम आज बनाते हैं मसाला छाछ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा चेंज, हमें मसाला छाछ बहुत अच्छी लगती है पीने में गर्मियों में। तो चलिए देखते हैं उसकी सामग्री। ये 250 ग्राम के आसपास दही है, जिसे हमने घर में ही जमाया हुआ है। और ये कुछ पुदीना के पत्ते धो के कटे हुए, ये हरे धनिए के पत्ते हैं, ये बारीक कटा हुआ अदरक है, ये काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर, नमक है, भुना हुआ जीरा पाउडर है। सबसे पहले हम मिक्सर के अंदर हमारी छाछ का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हम पुदीने के कुछ पत्ते हैं जो डाल देते हैं इसके अंदर। इसी के साथ हम धनिए के पत्ते भी डाल देते हैं इसके अंदर इस तरह से। और इसी के साथ हम जो अदरक है बारीक कटा हुआ उसे डाल देते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर इसमें डाल देना है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। और हमने इसके अंदर हल्का सा हमारा घड़े से पानी डाल देना है और इसे चला लेना है मिक्सर लगा कर। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से ग्राइंड करके हो गया। आपको और बारीक करना है तो एक बार और चला सकते हो। सबसे पहले हम हमारी इस हांडी में दही ले लेंगे इस तरह से। हमें यह पूरा दही ले लेना है। इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। हल्का भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। एक दो तीन मिनट तक इस तरह से हमने इसे चला लेना है। बड़े आराम के साथ हो जाता है ये। देखिए ये कितना बढ़िया क्रीमी हो गया, एकदम क्रीमी हो गया, फर्स्ट क्लास। अब हमने क्या करना है, ये मिक्सर के अंदर जो हमने ग्राइंड किया है मसाला छाछ में डालने के लिए उसे डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से। और इसी के साथ हमने इसमें पानी लेके थोड़ा सा पानी ले लेना है। मसाला जो मिक्सर में लगा है वो भी इसमें आ जाएगा और इसके अंदर डाल देना है। और हमने फिर से इसे अच्छी तरह से चला लेना है। देखिए इस तरह चला लेना है। ये ताक है, छाछ है, इसके लिए हमने इसे थोड़ा पतला ही रखना है, तो हमने और थोड़ा पानी डाल लेना है। करीबन हम इसे 2 से 3 गिलास के आसपास बना रहे हैं। इसके अंदर हमने और हमारे मटके का शीतल जल ठंडा पानी डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा पानी हो गया इसमें ठंडा एकदम। देखिए ये हमारी छाछ लगभग रेडी हो गई है। देखिए हमारी ये पूरी तरह रेडी हो गई है। अब हम इसे ग्लासेस में डाल देंगे, दोनों ग्लासेस में पोर कर देंगे इस तरह से। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इसका कलर और इसका आरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। पुदीने का, धनिए का, अदरक का एकदम फ्रेश फ्रेश फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये हमारी रेडी हो गई है मसाला छाछ पीने के लिए। इसके ऊपर से चाहे तो हल्का सा जीरा पाउडर और डाल दीजिए, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। हल्का सा ब्लैक पेपर, नमक हमने डाला है उसमें अच्छे से। बस ये रेडी है पीने के लिए। देखा हमने, झटपट हमारी मसाला छाछ बनके तैयार हो गई। इस तरह से हम थोड़ी सी बनाएंगे, थोड़ा टेस्टी भी लगती है और थोड़ा सा चेंज। हम इस तरह से घर में बनाए पिए तो बहुत अच्छा लगता है गर्मी के दिन है। तो आप ट्राई कीजिए, बताइए मुझे आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा। तो चलिए अगली रेसिपी के साथ फिर से मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।